पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे, दसवें। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम उक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंसक किया था? बख्तियार खिलजी ने। इसुमिस ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? मलिक जानी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज शाह तुगलक। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी। सरंजामी प्रथा किसे से संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी। तबका ए नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। बारह मासा की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तुजुक के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की। साथियों, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।